हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह करम हम लोग भी ठीक हैं आप लोग की दुआ से। तो बस आज कुछ मुझे बनाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि मैंने रेसिपी तो कुछ डालना नहीं है। बस इसी तरह मैंने सोची कि अभी फ़ोन उठाई हूँ, आप लोग से कुछ बातें कर लूँ। और कुछ नहीं तो थोड़ा सा मुझे बना रही हूँ पोहे, और वो पोहे बना रही हूँ तो मीठे, जो मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो वो मुझे बहुत दिनों से बोल रहे कि वो पोहे बनाओ पोहे बनाओ, तो मैंने सोची चलो आज बना ही देती हूँ पोहे, थोड़े से बना देती हूँ। हम लोग का ऐसा नहीं है कि खास वो नियाज बनती, तो जब भी हम लोग बनाते हैं वैसा कुछ नहीं है। हम लोग हर चीज़ ना कभी भी कोई भी टाइम में बनाते, जब दिल हुआ हम लोग बनाते हैं। तो बस तो देखते हैं वो पोहे कैसे बनते हैं। मैंने पहले भी नियाज के टाइम पे शायद मैंने डाल चुकी हूँ वीडियो। ऐसा तो हम लोग उसमें खास करके नहीं बनाते हैं, कुछ भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन वो बहुत से जन बनाते हैं ना 11वीं शरीफ की नियाज में, 11 चिराग जलाते हैं उसके ऊपर, तो वो पोहे बनना। और मेरे शौहर को भी चाहिए है, उस दिन मैंने बनाई थी। मीठा तो कुछ ना कुछ मेरे घर में बनना ही चाहिए। वो बनाई थी क्या बोलते हैं टोस्ट का हलवा, तो वो 2 दिन तक खाए उनको खिलाए, और अभी फिर अभी ख़त्म होने में तो बोलते बोलते अभी मैं तीसरे बार नहीं खाऊंगा। तो मैं बोली मत खाओ चलो, तो मैं बोली अभी वो बोले पोहे बनाओ ना तो जर्दा बनाओ। और वो बहुत दिनों से अभी बोल रहे हैं, और नारियल भी लेकर आके दिए मुझे कि बनाओ पोहे। तो मैंने बोली ठीक है बना देती हूँ। तो मैंने अभी सब उसको सब चीज़ मैंने इंतज़ाम करके रखी हूँ, बस मिलाना है। तो आप लोग को बताती हूँ किस तरह से, ठीक है। तो गाइज देखिए, ये है एक बॉल, इसमें हम ये है जो पोहे मैंने धो के रखी हुई हूँ। और मैं कुछ भी पोहे कोई भी बनाती हूँ, या तो तीखे बनाओ या तो ऐसे मीठे, तो भी मैं धो लेती हूँ अच्छे से, और धोने के बाद मैं छन्नी में ऐसे छान लेती हूँ, तो छन्नी में ही धोती हूँ तो सब सूख भी जाता है। तो मैंने ये धो के रखी हूँ। अब देखिए इसे हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम हाथ से ऐसे कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा, जैसे कि कुछ गांठे हो जाती है ना गीले होने से धुलने से। तो ये फिर भी देखिए कितना सूखा हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये खोपरा, यानी कि नारियल कोकोनट, ठीक है। अब मैंने इसको ना ग्राइंड करी हूँ थोड़ा, और थोड़ा ना उससे ये करी हूँ घसी हूँ, क्या बोलते इसको, इससे घस के ली हूँ थोड़ा, और थोड़ा ग्राइंड कर दी हूँ इसमें जार में भी थोड़ा थोड़ा सा। तो मैं अभी इसमें ये खोपरा डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो देखिए अच्छे से हो गया, मिल गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये चीनी, मैंने पीस के रखी थी। मुझे कभी भी कुछ भी लगता है थोड़ा बहुत, तो जैसा कि कुछ भी बनाओ नान वगैरह, तो उसमें डालने के लिए, तो इसके लिए पीस के रखती हूँ। तो ये चीनी है, अब चीनी भी अपने हिसाब से डालिए जिसको जितना मीठा लगे। और ये चीनी के थोड़े से वो हो गए गांठे पड़ गई है, या तो ऐसे फूट जाएगी कुछ नहीं। तो ये पीसी हुई चीनी डालिए, मैं पीसी हुई डालती हूँ पूरा, मैं निकाल के बताती हूँ फिर। तो मैंने और चीनी ले ली हूँ, ये इस तरह से इसको फोड़ रही हूँ। और वैसे भी वो गीला है थोड़ा, तो हो ही जाएगा, ज़्यादा मीठा तो करना नहीं है। तो अब ये भी हो गया, अब हम इसमें ये डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में ये मगज़, मैंने जो मगज़ मेरे पास बचे थे उस दिन मैंने बनाई थी जो हलवा, तो मैंने इसी में मिला दी, क्योंकि मेरे पास ये बादाम कटे हुए रखे हुए थे और चारोली थी। तो गाइस मैंने ये सब मिला दी इसमें, और अब मैं इसे सब अच्छी तरीके से हाथ से मिलाऊंगी। और है मैं ये भी है क्या बोलते हैं किशमिश, किशमिश भी मैं अभी इसमें डाल दूंगी। तो बस अभी इसे हम अच्छी तरीके से हाथ से मिलाएंगे। तो देखिए ये सब मिल गया अच्छे से। अब मैं केवड़ा एसेंस डालूंगी इसमें, थोड़ा सा गुलाब जल डालते हैं, गुलाब पानी, तो वो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैंने एक बूंद में इसको डाल दूं बस, थोड़ा सा एक कतरा, तो थोड़ा अच्छा लगता है, खुशबू आती है, अच्छा लगता है। इलायची पाउडर भी डालते हैं इसमें, तो मैं बस अभी केवड़ा डाली हूँ, बस हो गया। बस ये इसी तरह से बनता है, मिला देते हैं हर चीज़, इसे पकाते नहीं हैं। तो आप लोग को जैसा कि किसी किसी को मालूम होएगा कि ये पोहे कैसे हैं, तो किसी को नहीं भी मालूम होगा
जो मुंबई में रहने वाले मुंबई लोग को ज़्यादा करके ये सब चीज़ें मालूम रहती है, और बाहर जो कोई भी है उन लोगों को ज़्यादा नहीं मालूम पड़ता है। तो इसके लिए ये पोहे आप लोग भी इसी तरह मीठा बना के खाइए तो अच्छा लगता है। तो अभी आप लोगों को मैंने जिस तरह बताई हूँ इसी तरह आप लोग बनाइए, ये मीठे पोहे जो मीठे बोलते हैं मीठे पोहे होते हैं ये बनाइए आप लोग इसी तरह, तो बस अच्छे लगते हैं। इसमें बारीक पोहे लेना चाहिए, मोटे नहीं, तो बारीक पोहे लेके इसके अंदर आप लोग मिलाइए तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये पोहे अच्छे लगते हैं, ऐसे कुछ नहीं खास वो बोलते ना ख़राब लगे या आप लोग सोचे, तो कुछ नहीं अच्छे लगते, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसे आप लोग रख दीजिए थोड़ा सा सेट होने दीजिए तो इसकी चीनी वीनी सब पिघल जाएगी और मिक्स हो जाएगा, तो एकदम मस्त हो जाएगा, मीठा अच्छा सब हो जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है गाइस, तो मेरा ये पोहे बन गए हैं, ये पोहे मेरे बन गए हैं। तो इसी तरह पोहे बनते हैं, तीखे पोहे नहीं है ये मीठे हैं। तो बस, तो गाइस इसी तरह बनते हैं पोहे, आप लोग भी इसी तरह बनाइए और टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी इसी तरह बनाते हैं, और आप लोग के इधर कैसे बनते हैं वो बताना कमेंट करके। महाराष्ट्र में भी बनते हैं, ये महाराष्ट्र ही डिश है, महाराष्ट्र में बनते हैं ज़्यादा करके, और मोमेंट लोग को मालूम रहेगा कि किस तरह से पोहे बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बना के खा सकते हैं इसको। तो बस आप लोग करनी है सिर्फ चार चीज़ें जिस तरह से गुड़िया बताती है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर। सब्सक्राइब तो आपको करना है, हाथ बढ़ा के सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। तो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, बाय बाय।